ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है और पूछे ना और सवाल। दिन भर न्यूज क्लिक पर रेड की खबर के बीच ताजा अपडेट ये आ रहा है कि यूएपीए के तहत न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरा कायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह नींद खुलते ही एक मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक की रेड की खबर मिली। दिल्ली पुलिस की टीमें न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों के घर और दफ्तरों में रेड करती रही। कुल 30 जगहों पर पुलिस ने रेड की, सभी के फोन लैपटॉप जब्त कर जांच शुरू कर देती है। दफ्तर में काम करने वाले पत्रकार अभिसार शर्मा रेड से ठीक पहले एक ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हैं। पुलिस ने रेड के बाद दफ्तर पर ताला लगाकर सील कर दिया। रेड खत्म होने के बाद पत्रकारों के बयान आए। न्यूज क्लिक से जुड़े अभिसार शर्मा ने एक्स अकाउंट पर लिखा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पूरे दिन चली पूछताछ के बाद मैं घर वापस आ गया हूँ। हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। सत्ता में बैठे लोग जो आसान सवालों से भी डरते हैं, मैं उनसे सवाल पूछता रहूंगा, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। इससे पहले संस्थान से जुड़े पत्रकार प्रंजॉय गुहा ने कहा कि उनके घर सुबह 6:30 बजे 9 पुलिस वाले आए और कई सवाल पूछे। सुनिए प्रंजॉय ने क्या बताया। आज सुबह 6:30 बजे 9 लोग आए हमारा घर पे 6:30 बजे। हाँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, उनके साथ में यहाँ आया। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठाया कि मेरा बीबी का जो भाई है अमेरिका में, उनसे फोन में बात किया कि नहीं, बोला हाँ। तो मैंने पूछा कि आप सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, बोला हाँ। तो मैंने पूछा आप दिल्ली रायट कवर किया, बोले ना। आपने किसान आंदोलन कवर किया, बोला हाँ। अलग अलग लोग अलग अलग सवाल उठाया, तो मैंने सारे सवाल का जवाब दिया। मैं यहाँ पे 8:30 बजे से हूँ, अभी 6 बजने वाले हैं। बस इतना ही मुझे कहना है, धन्यवाद। ये मुझे कहना मुश्किल है, सैकड़ों लोग होगा पुलिस वालों को भी देखा सर, आंखों से अगर पुलिस वालों को भी देखे। न्यूज क्लिक है मेरा, बहुत सारे थे, हमें गिना नहीं सर। 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। अगर हवलदार भी है जो पुलिस वालों है तो उनको भी जोड़ दीजिए ना। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमों ने दिन भर न्यूज क्लिक से जुड़े 46 लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने एक बयान में कहा, दफ्तरों में कुल 37 पुरुष संदिग्धों से पूछताछ की गई, 9 महिला संदिग्धों के उनके रहने के स्थानों पर पूछताछ की गई है और डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों आदि की जांच के लिए जब्त किया गया है। न्यूज क्लिक के कुल 30 स्थानों पर रेड की गई। ये कार्रवाई 17 अगस्त को दर्ज एक FIR के आधार पर की गई है। इस FIR के तहत गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA, IPC की धारा 153A यानी विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 120B यानी आपराधिक साजिश के लिए सजा जैसी गंभीर धाराएं लगी है। पुरागायस्थ के अलावा पत्रकार अभिसार शर्मा, ओनिंदियो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, उर्मिलेश, सुमेधा पाल, अरित्री दास और संजय राजौरा उन लोगों में शामिल थे जिनके ऊपर कार्रवाई की गई। सिर्फ एडिटोरियल ही नहीं, कंपनी में रिक्रूट करने वाले HRs के ऊपर भी पुलिस ने कार्रवाई की। इस खबर को लेकर लगातार आ रही अपडेट्स पर हमारी नज़र है, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसको लेकर आए थे मेरे साथी दीपेंद्र गांधी, और आपकी इस पर क्या राय है? पत्रकारों पर जो UAPA की धाराएं लगाई जा रही है और जिस तरह से उनसे पूछताछ की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिए दिल्ली लल्लन टॉप। शुक्रिया।